हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विश्वकर्मा एक बहुत ही बड़े और बहुत ही ऊंचे दर्जे के भगवान हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स भी कहा गया। उन्होंने अपने हाथों से, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सिटी ऑफ द्वारका बनाई है भगवान कृष्ण के लिए, उन्होंने अपने हाथों से इंद्रप्रस्थ बनाया पांडवों के लिए, और इनकी इसलिए पूजा की जाती है तकरीबन तकरीबन 17 या 18 सितंबर के आसपास हर साल। उनको दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ये चीज़ें करना स्टार्ट किया था। और चूंकि वो आर्किटेक्ट थे दुनिया के सबसे पहले, इसीलिए हिंदू पुराण के अनुसार जब भी विश्वकर्मा पूजा आती है उस टाइम पे हमेशा जितने भी मैकेनिक्स होते हैं, जितने भी क्राफ्ट्समैन होते हैं, जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं जिनमें स्किल्स होती है, वो हमेशा विश्वकर्मा पूजा करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं कि चीज़ें हमेशा अच्छी चलती रहे। लॉर्ड विश्वकर्मा से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। कौन सी है? बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि जब बरमूडा ट्रायंगल का मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पा रहा था तो हिंदू धर्म में, हिंदू पुराणों में भी इसकी चर्चा कहीं ना कहीं देखने को मिली है। और वो कहाँ पर देखने को मिली है? ऐसा कहा जाता है कि मंगल ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं अर्थ से ही बाहर निकल के बना है, और जब ऐसा हुआ था उस टाइम पे पृथ्वी बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमने लगी थी और सभी भगवान डर गए थे कि अब पृथ्वी पे लाइफ कैसे होगा। उस समय क्या हुआ कि भगवान विश्वकर्मा ने एक स्पेशल टाइप का चिमटा लिया था और उसे पृथ्वी को पकड़ के रोका था और उसके नॉर्मल स्पीड पर लेके आया था, जिसके वजह से आज भी ऐसा कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि अर्थ जो है सो टिल्टेड है 66.5 डिग्री के ऊपर, और जहाँ से उन्होंने पृथ्वी को पकड़ा था उसी पॉइंट को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है। बहुत से लोग इसको ये भी कहते हैं कि वहाँ से शायद देवताओं के यहाँ जाने का राज है, बट ये तो शायद आगे चल के साइंस ही बताएगा क्या है नहीं है, बट ऐसी कुछ स्टोरी है। सो होपफुली इफ़ यू लाइक द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड सी यू सून। बाय बाय। सृष्टि के करता रक्षक स्तुति धर्मा।